मदन महल पुलिस ने एक अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को गेट नंबर 4 से दबोचा है। आरोपी के पास से 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में पुलिस ने बताया कि उसे यह शराब बहुत ही कम कीमत पर मिल गई थी, जिस कारण वह इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली संभाग CSP प्रभास शुक्ला ने बताया कि मदन महल थाना क्षेत्र में मुखबिर को सूचना मिली थी कि क्षेत्र का पुराना शातिर बदमाश अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए हुलिये के आधार पर जब युवक को रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें लगभग 12 बोतल अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दबोच लिया है। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से यह पूछताछ शुरू कर दी है। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब कहां से लेकर आया था और इसे कहां खपाने जा रहा था? भैया, सिर्फ शराब की कार्रवाई हुई मदन महल थाने में, क्या मामला? मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी गेट नंबर 4 में कोठारी हॉस्पिटल के पास एक लड़का थैले में शराब लेकर उसको बेचने का प्रयास कर रहा है, सस्ते रेट में देने की बात कर रहा है। गवाहों को साथ में लेकर मदन महल थाने की पुलिस द्वारा उसमें जाकर कार्रवाई की गई और उसकी तलाशी ली गई तो 12 बोतल मैक डबल की मिली है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने सस्ते में दिया था, उसको बेचने लाया है। कहीं संतुष्ट युवक ने जवाब नहीं दे पाया, उसके आधार पर उस पर अवैध शराब रखने की कार्रवाई की गई है, कार्रवाई उसको गिरफ्तार करके शराब जब्त की गई है। भैया, कितने की कुछ नगद भी जब्ती किया है, क्या नाम है आरोपी का? उस शराब की कीमत 9,000 के आसपास पाई गई है और उसी को आगे और पूछताछ की जा रही है। नाम क्या है कुछ आरोपी का? वीरेंद्र सिंह परस्ते। कहाँ का रहने वाला? मदन महल।